भोजपुरी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल अक्षरा सिंह का विवादों से खास नाता रहा है। अक्सर किसी न किसी वजह से वो चर्चा में रहती हैं। अक्षरा का नाम विवादों में कई बार आया है और अब पटना पुलिस ने अक्षरा को फरार घोषित कर दिया है। जी हाँ, अक्षरा सिंह के घर के बाहर फरार वाले पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला आज का नहीं बल्कि साल 2021 का है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने एक पार्टी का आयोजन किया था और ये पार्टी रात भर चली थी। इस पार्टी में कोरोना के दिनों में लगे हुए कई नियमों का उल्लंघन किया गया था। पार्टी में अक्षरा सिंह भी शामिल हुई थी और इस पार्टी में डांस परफॉर्मेंस दी थी जो एक्ट्रेस को भारी पड़ गई। इस डांस परफॉर्मेंस के बाद ही अक्षरा कानूनी पचड़े में फंस गईं और उन्होंने भी कई नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, जिसके बाद ही पुलिस ने मुन्ना शुक्ला की इस पार्टी पर FIR दर्ज की और इस मामले में अक्षरा सिंह भी फंस गईं। इतना ही नहीं, FIR होने के बाद वो लगातार फरार चल रही थी। लालगंज पुलिस ने अक्षरा के पटना स्थित घर के बाहर फरारी का इश्तेहार चिपका दिया है, जिसमें अक्षरा के फरार होने का जिक्र है। वहीं अक्षरा के वकील का कहना है कि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है और ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बता दें कि कुछ समय पहले अक्षरा सिंह को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई थी, जहां जौनपुर के बदलापुर महोत्सव में अक्षरा सिंह पर पत्थर फेंके गए थे। इस कार्यक्रम में लोगों ने खूब बवाल किया था। इसके अलावा अक्षरा ने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट कर रिएक्शन दिया। इस वीडियो में अक्षरा खाना खा रही होती हैं और कहती हैं, भागी नहीं हूँ, यही हूँ, खाना खा रही हूँ, हद हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।